नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। यूनियन एक रही तो आपके द्वार होगी सरकार, बोले दुष्यंत चौटाला। जी हां, हड़ताली रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में रेवाड़ी पहुंचे चौटाला। कहा उंगली नहीं मुट्ठी बनकर मुहिम चलाओ। कर्मचारियों का धरना व प्रदर्शन आठवें दिन भी जारी है। मीडिया से रूबरू होने से किया स्पष्ट इनकार। आप देख रहे हैं पल पल, रेवाड़ी से महेंद्र भारती की ये रिपोर्ट। सांसद दुष्यंत चौटाला ने रोडवेज कर्मचारियों का आह्वान किया और उनको कहा कि उंगली नहीं मुट्ठी बंद करके मुहिम चलाओ और सभी रोडवेज कर्मचारी एक डिपो या एक जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के बजाय एक स्थान पर एकत्र होकर के प्रदर्शन करो, क्योंकि अगर नेतृत्व अच्छा होगा और एक होगा तो खुद मुख्यमंत्री आकर आप लोगों के बीच में आश्वासन देना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला आज रोडवेज कर्मचारियों की देश प्रदेश व्यापी हड़ताल के आठवें दिन कर्मचारियों का धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे। यहां पर समर्थन देने के बाद उन्होंने धरना स्थल पर बैठे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को संबोधित किया, मगर न जाने क्यों दुष्यंत चौटाला आज मीडिया से दूरियां बनाते नजर आए और धरने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। अगर इस प्रदेश मेरा एक आग्रह कि उंगली बढ़कर अलग अलग ना बैठने का आप काम करो, मुट्ठी बढ़ो, एकजुट हो। जिस दिन आपने एक जगह इस मुहिम की शुरुआत की, इस तरीके से हर जिला हर डिपू के ऊपर धरना देने की बजाय आज आपको एक नेतृत्व के अंदर एक मिलना आज सरकार आपसे जवाब आपसे नेगोशिएशन करती है। जिस जगह आप एकत्रित होंगे तो लगता है मुख्यमंत्री को खुद आके आपको आश्वासन अस्पताल जाना है तो आज इस व्यवस्था के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा ना हो तो भी रोडवेज की पहुंचाती जाती है, मदद करने का काम शॉर्ट है। मैं तो कई बार इस चीज के बारे में चर्चा भी की, अगर इस प्रदेश मेरा एक आग्रह कि उंगली बढ़कर अलग अलग ना बैठने का आप काम करो, मुट्ठी बढ़ो, एकजुट हो। जिस दिन आपने एक जगह इस मुहिम की शुरुआत कर दी, इस तरीके से हर जिला हर डिपू के ऊपर धरना देने की बजाय आज आपको एक नेतृत्व के अंदर एक नेतृत्व आज सरकार आपसे जवाब आपसे नेगोशिएशन करती है। जिस जगह आप एकत्रित होंगे मुझे लगता है मुख्यमंत्री को खुद आके आपको आश्वासन देना चाहिए कि आपको